लोग मेरे साथ देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनावों की और उन विधानसभा चुनावों में बन रहे समीकरणों की। अगर बात कर ली जाए कि किन वोटर्स की संख्या एक निर्णायक स्थिति पैदा करती है गुजरात में, तो ब्राह्मण वोटर्स की बात की जानी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर्स कहीं ना कहीं एक बहुत अहम वजूद रखते हैं गुजरात की सियासत में। और इसी के साथ साथ देखा जाता है कि बहुत निर्णायक फैसले लेने में ब्राह्मण वोटर्स का एक बहुत अहम रोल रहता है। आपको बता दें कि करीबन 22 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स एक निर्णायक स्थिति पैदा कर देते हैं। सीधे तौर पर 22 सीटों पर एक निर्णय देते हैं ब्राह्मण वोटर्स। और अगर बात की जाए कि ब्राह्मण वोटर्स का कुल वोट कितना है और ब्राह्मण वोटर्स के वोट किस पार्टी की तरफ जाते हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं 2017 के आंकड़ों को लेकर। 2017 में हमने देखा है कि ब्राह्मण वोटर्स के 31% वोट करीबन कांग्रेस पार्टी को गए थे और उसके बाद 64% वोट बीजेपी को गए थे। हालांकि 2017 के चुनाव में देखा गया कि पिछली और उससे पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस को 4% वोट ज्यादा मिले थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन इस बार जो ब्राह्मण वोटर्स उत्तर प्रदेश में भी काफी हावी रहे, ब्राह्मण वोटर्स की अच्छी खासी संख्या बीजेपी के साथ थी, वहीं गुजरात में भी ब्राह्मण वोटर्स की संख्या बीजेपी के साथ है। उन ब्राह्मण वोटर्स को काटने के लिए रणनीति तैयार कर रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस तरह ब्राह्मण वोटर्स पिछली बार भी उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हुए, इस बार भी ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी से तोड़कर अपनी तरफ कर लिया जाए। उसके लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बड़े ब्राह्मण चेहरों को टिकट देने की बात चल रही है, बड़े ब्राह्मण चेहरों के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाने की बात चल रही है, बड़े ब्राह्मण चेहरों को समाज के बीच से जो लोग आते हैं उनको इस बार मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। तो देखना होगा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लुभाने के लिए और क्या नए फैसले करती है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।